भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। हमें आपके धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत इस बात से है कि आपको अपने धर्म की किताबों के अलावा हर किसी के धर्म की किताबों से दिक्कत है। हिंदू मुसलमानों की भावनाएं आहत करने में लगा है। मुसलमान हिंदुओं की भावनाएं आहत किए बिना मुसलमान नहीं हो पा रहा, और उस पर आप कहते हैं हमारी किताबें मानवता का संदेश देती है। सोचिए, क्या वाकई में धार्मिक किताबें इंसान को बेहतर बनाती है? यह इंसान की समझ, देश के प्रति थोड़े से कर्तव्यों का पालन और वैज्ञानिक चिंतन ही किसी इंसान को और उसके देश को बेहतर बनाता है। बेहतर इंसान बनने की दिशा में कदम बढ़ाइए, इसी में समाज, देश और दुनिया का भला है। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को सच का खोजी बोलता हो, वो अगर उपनिषदों की बात नहीं कर रहा तो बच के रहना, बहुत बच के रहना। हिंदू लिटरेचर में सबसे ज्यादा महत्व उपनिषदों को दिया जाता है। आचार्य प्रशांत भी उपनिषदों को ही महत्व देते हैं और वो खुद को उपनिषद मर्मदर्शी की तरह पेश करते हैं। चूंकि उपनिषद नहीं पढ़े तुमने, इसीलिए तुम बर्दाश्त कर लेते हो दुनिया भर के उल जलूल मूर्ख वक्ताओं को, और दावा करते हैं कि वो जो बता रहे हैं वो वास्तव में उपनिषदों का ही ज्ञान है। आचार्य प्रशांत की व्याख्या को सही मानने का मतलब है कि तमाम ग्रंथों के रचयिता को खुद भी नहीं पता था कि वो क्या लिख रहे हैं, और जितने लोगों ने आज तक इन ग्रंथों का अर्थ और भाष्य किया है वो सभी मूर्ख थे। उन्हें इतनी समझ नहीं थी, उनके पास वो अंतर्दृष्टि नहीं थी जो आचार्य प्रशांत के पास। आचार्य प्रशांत समेत लगभग सभी आध्यात्मिक गुरु एक बात जरूर करते हैं कि अहंकार ही सब दुखों की जड़, ईगो इज द रूट ऑफ ऑल द ईगोल्स इन द वर्ल्ड। अगर हमें खुद को और दुनिया को बेहतर बनाना है तो अहंकार का नाश करना बहुत जरूरी है। जीवन हमारा निस्तेज और दरिद्र होता है, और जो हमारा अहंकार का महल होता है उसमें बड़ी रौनक रोशनी रहती है। बस वो जो महल है वो रेत का है। रेत के महल की चौथी मंजिल पर रत्न जड़ित बाथटब लगवाया है। पूरी जिंदगी को बेच करके वो बाथटब आया है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? नहाओगे कभी उसमें? नहा कभी नहीं पाओगे। लेकिन सिर्फ एक जगह पर आकर उनकी जवान को लकवा मार जाता है। बस उस पर बोलने के लिए उनके पास शब्द नहीं, और वो है धार्मिक अहंकार। मेरा धर्म सबसे बेस्ट, मेरा धर्म सबसे लॉजिकल है, मेरा धर्म सबसे साइंटिफिक है। ये कौन सा वैदिक धर्म है जिसका पालन करने वालों के घरों में वेद पाए ही नहीं जाते? इस धार्मिक अहंकार ने दुनिया का कितना बेड़ा गर्क किया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं। इसकी वजह से कितने युद्ध, कितने दंगे, कितने नरसंहार हुए ये इतिहास हमें बताता है। केवल यही नहीं, वो दुनिया की हर समस्या के लिए अद्वैत को ही समाधान की तरह प्रस्तुत करते हैं, जैसे मानो यही हर मर्ज की दवा हो। अध्यात्मवादियों के साथ यही तो दिक्कत है, वो ऊंचे आदर्शों, ऊंचे लक्ष्यों की बातें करते हैं जो एक तरह से यूटोपिया जैसे होते हैं, एक जादुई समाधान जो सारी समस्याओं को चुटकी बजाते ही खत्म कर दे। उनकी सारी चर्चा इन ऊंचे आदर्शों के इर्द गिर्द होनी होती, लेकिन धरातल पर इन ऊंचे आदर्शों को कैसे अचीव किया जाए उसका कोई रोड मैप इनके पास नहीं होता। कहां कोई बदलता है? काश कि वो बदल पाता, काश कि हम बदल पाते। ना मैं बदल पा रहा, ना आप बदल पा रहे, बदलाव आ कहां रहा है? अफसोस ये है कि ऐसे लोग युवाओं के आइडियल बन जाते हैं। युवाओं का आइडियल तो कोई ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जो कि क्रांतिकारी विचारों वाला हो, निडर हो, बहादुर हो, जो रूढ़ियों को तोड़े, नई सोच को बढ़ावा दे, समाज को पुरातन पंथ से आजाद करे, न कि कोई डरपोक जो धर्म के खिलाफ मुंह खोलने से डरे और लोगों को खुश करने के लिए नए नए तर्कों से इस पुरातन पंथ को प्रासंगिक सिद्ध करने की कोशिश करे। अध्यात्म को ना आस्तिकता से कोई मतलब है, ना नास्तिकता से कोई मतलब है, सच्चाई से मतलब है, और सच्चाई ना आस्तिक के पास है ना नास्तिक के पास है। तुम खुद को जानते नहीं और अथीस्ट बने बैठे हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि ये जो अथीज्म का विचार है तुम्हें आ कहां से गया। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम खुद कहां से आ गए। आचार्य प्रशांत ने तो लगता है हिंदू धर्म की हर अवैज्ञानिकता, अंधविश्वास और रूढ़िवाद को प्रासंगिक बनाने का ठेका लिया है। जरा देखिए, यहाँ वो हनुमान जी के सूरज निगलने को भी रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सूरज को निगलने का क्या अर्थ हुआ? प्रकृति में जो सबसे बड़ा तुमको दिखाई पड़ सकता है, हनुमान जा करके सीधे उसी को जीत लाए, माने प्रकृति को जीत लेना। जरा सोचिए, क्या इस तरह के तर्कों से दुनिया के सभी धर्मों की अवैज्ञानिक और मूर्खतापूर्ण बातों को सही सिद्ध नहीं किया जा सकता? असल में सभी के अंदर अपने धर्म, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ साबित करने की एक चाह होती है। ये चाह हमारे अंदर भी, लेकिन जब हम आज के दौर में इसे साबित करने की कोशिश करते हैं तो हमें वर्तमान में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं दिखती जिसे दिखाकर हम अपनी श्रेष्ठता को साबित कर सकें। प्रेजेंट में तो जो कुछ भी है, फिर चाहे वो डेमोक्रेसी हो या फिर कैपिटलिज्म या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन या एजुकेशन सिस्टम, वो सभी वेस्ट से आए हैं। भले ही आज हम सब इसके मजे ले रहे हैं, लेकिन इनके जरिए यदि हम खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश भी करें तो भी जीत पश्चिम के सिद्धांतों की होगी। लिहाजा हम खुद को धोखा देने के लिए एक झूठ गढ़ते हैं कि भारत का पुरातन ज्ञान दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। हमारे पुरातन सिद्धांत ही वास्तव में विश्व का कल्याण कर सकते हैं। आज दुनिया में जो भी खराबी है वो हमारे पुरातन सिद्धांतों को ना अपनाने की वजह से है। तो हजारों सालों से उपनिषदों की हस्ती बनी हुई है, बरकरार है। कुछ बात है उनमें, कुछ है उनमें जो
समय के हाथों मिट नहीं रहा, कालातीत है। अगर दुनिया इन्हें अपना ले तो ये दुनिया बेहतर हो सकती है। हालांकि हम इतना भी नहीं सोचते कि अगर ऐसा है तो ये सिद्धांत हमारा कल्याण क्यों नहीं कर सकते, क्यों हम सैकड़ों सालों तक गुलाम रहे। आज भी हम इन सड़े गले सिद्धांतों को नए नए लेबल चिपकाकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर वास्तव में हमें खुद को और अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें इन बेवकूफियों से जितनी जल्दी हो सके आजाद होना हो। हमें सच्चाई का सामना करना हो, भले सच्चाई कितनी ही कड़वी हो। सच से मुंह चुराना, खुद को तसल्ली देने के लिए कल्पनाओं के हवाई किले खड़े करना हमें कहीं नहीं लेकर जाएगा। आचार्य प्रशांत को सुनने वाले लोग ज्यादातर पढ़े लिखे युवा हैं, इसलिए मेरी चिंता और भी ज्यादा है, क्योंकि वही है जो इस देश की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। इसलिए उन्हें इस लुभावने झूठ से जितना जल्दी हो सके मुक्त होने की जरूरत। पश्चिम ने इन पुरातन सिद्धांतों से पीछा छुड़ाया, तभी वहां विकास हुआ, तभी वहां विज्ञान और लोकतंत्र की नींव रखी। दोस्तों, आज हमारे देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। इस बीच न जाने कितनी पीढ़ियां जवान हो चुकी हैं, लेकिन आज भी 21वीं सदी में हम लोग इस पुरातन पंथ और पोंगा पंथ को ढो रहे हैं। बल्कि जैसे जैसे हमारी आर्थिक संपन्नता बढ़ी है, हम और जोर शोर से इस पुरातन पंथ का समर्थन करने लगे। हमारी और हमारे देश की भलाई इसी में है कि हम जितना जल्दी हो सके इस सबसे पीछा छुड़ा लें। वो इस छोटी सी स्ट्रीमिंग के मोहताज नहीं है कि उनको मैं प्रूफ, मैं बस उपनिषदों के खिलाफ जो आप वार्तालाप, अहंकार देखो सर, अहंकार देखो। कमलेश जी, एक चीज मेरी सुन लीजिए, आप इस टाइम आचार्य प्रशांत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। हर उपनिषद अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन हर शिष्य अपने आप में अपूर्ण है। तो फिर इसलिए अलग अलग तरीकों से बताया गया है। निरालंब उपनिषद में एक तरीके से बताएंगे, छांदोग्य उपनिषद में दूसरे तरीके से बताएंगे। छांदोग्य उपनिषद 5:8:1, हे गौतम, स्त्री जाति अग्नि है, उसका गुप्तांग ही ईंधन है, काम क्रीड़ा के लिए बोलना ही धुआं है, उसकी योनि ही ज्वाला है, उसमें पुरुष की जननेन्द्रिय का प्रवेश ही अंगारे हैं, और आनंद की प्राप्तियां ही चिंगारी है। आगे कह रहे हैं 6:2:13 में, गौतम, स्त्री अग्नि है, उसका गुप्तांग ईंधन है, गुप्तांग पर उगे हुए बाल धुआं है, चिकुर चिकुर योनि ज्वाला है, लिंग प्रवेश अंगार है, और कामानंद ही चिंगारियां हैं। ये बात, ये है हालत ना भाई। हाँ तो सॉरी बोल दो थोड़ा, हम तो छोटी सी स्ट्रीम वाले आपके आचार्य प्रशांत की जो उन्होंने गप्पे मारी है उसको हमने खोल खोल के यहाँ पे दिखाया है। नहीं नहीं, एक मिनट, बीच में नहीं बोलो। मैंने किताब भी खोल के यहाँ पे दिखाई है कि किस तरह की विरोधाभासी बातें, कंफ्यूज्ड बातें करते हैं, कहाँ की फिलोसफी को चुरा के मारा है। उपनिषद में गंदी से गंदी बातें लिखी हुई है, डॉक्टर साहब ने यही बात करी थी, आपने कहा कि अगर वो निकाल के दिखाओगे तो सॉरी बोलना पड़ेगा, कि आप छोटी सी स्ट्रीम वाले उनका क्या कर लेंगे भाई। हमें किसी का कुछ नहीं करना है, हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे ऑडियंस है ना, उनके दिमाग बड़े बड़े है, वो समझ लेते हैं, आप जैसे नहीं है। मगर मैं जिन उपनिषदों की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार और उसके विघलन के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में आचार्य जी बात करते हैं। उसके अलावा उपनिषदों में जो भी लिखा है, उपनिषदों में, पुराणों में, वेदों में जो भी ऐसी बात लिखी है जो अहंकार और उसके विघलन के बारे में नहीं है, उस चीज का समर्थन आचार्य जी नहीं करते हैं। जिस चीज के बारे में आचार्य जी बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही चीजें हैं जो आपके अहंकार को पिघलाने में या विघलन करने में आपकी सामर्थ्य मदद करें। अच्छा कमलेश भैया सुनो ना, ये जो अहंकार है ना, इसको कैसे मिटाया जाता है ये बता दो। वो तो आचार्य जी बताएंगे, उनके चैनल पे आइए, वीडियोस। अच्छा, ये आपको नहीं पता है, ये आपको पता ही नहीं है, और आप उनकी पूरी बात डिफेंड कर रहे हैं। उनका अहंकार कैसे कब जाएगा ये उनको पूछिए। एक मिनट सर, क्योंकि मैं समझा नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि मैं समझा नहीं, समझाइए ना। अरे यार, मैं शापनहावर का मैं समझ लिया, इमानुअल कांट समझ लिया, मैं अहंकार को खत्म कैसे करना है ये बिल्कुल समझ जाऊंगा अगर आप समझाओगे तो। आपका गया क्या? आप नहीं, मेरा नहीं गया, मेरा नहीं गया। आप शंकर भाष्य को क्या बोलते हैं? उपनिषदों का, उपनिषदों की शुरुआत तो शंकर भाष्य से हुई। नहीं, वो मुझे नहीं, वो भी नहीं मानते। कहाँ लिखा है? नहीं, उनको पता ही नहीं उपनिषदों का। जो व्यक्ति उपनिषद के श्लोक और पुराण में फर्क नहीं कर सकता तो वहाँ बात करना ही बेकार है। सामने कचरा रखा हो, उसके अंदर हीरा हो, तो आप हीरे की बात करेंगे कि पूरे कचरे की? एक चीज बस आप ये बताओ, कौन सा हीरा है भाई? थोड़ा हीरा के बारे में बताओ ना, हम तो खोल खोल के दिखा रहे हैं यहाँ पे कचरा। हीरा आप बता दो, वेदों में हीरा आप बताए ना, क्या उसमें हीरे जड़े हुए हैं? ठीक है, मुझे उदाहरण देना है तो आप कठोपनिषद पढ़िए। कठोपनिषद में हीरा बताओ ना थोड़ा, कौन कौन सा बताओ ना थोड़ा। हाँ, उसमें जो नचिकेता की जो कन्वर्जेशन है उसको यम के साथ में। अच्छा, उसमें हीरा क्या है ये बता दो। हीरा क्या है? हीरा क्या है उसमें? सबसे पहले तो ये बात है कि आप अपने पिताजी से भी, नचिकेता की उम्र क्या थी आप उसको देख रहे हैं,
उस उम्र में वो अपने पिताजी के खिलाफ खड़ा हुआ है। सबसे गौर करने वाली तो चीज ये थी, अब आप सात आठ साल सच के साथ खड़ा रहना चाहिए तो पूरे सबको पता है भाई। हीरा बताओ ना, जो हीरा अहंकार खत्म करता है वो हीरा बताना है आपको। अरे क्या हीरा निकालनी है, एक मिनट रुको, दुनिया में अलग, एक मिनट कमलेश जी सुनो यार, आप सुनते नहीं हो, दुनिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो फिलॉसफीज हैं ये हुई हैं, इसमें हीरा मोती जैसी वाली बात कोई नहीं है। दूसरी बात, आपकी आवाज से लग रहा है आप बहुत यंग हो। आज आप मेरी बात को नोट करो, आज का तारीख नोट करो, ठीक है, मेरा नाम देख लो, नोट करो, कभी ना कभी 10 साल 20 साल 30 साल के बाद जीवन में जरूर वो मौका आएगा जब आपको लगेगा यार ये मैं कहां, ये बेवकूफ आचार्य प्रशांत के चक्कर में अपना अहंकार खत्म करने में लगा था यार, कि अहंकार ये करना, ये दिमागी खुजलियां जो है ना, ये जीवन की आपाधापी में सब खो जाती हैं। इसलिए अपने आप को समय दो, जीवन सब सिखा देगा आपको, ठीक है। इसको लेकर मैं एक क्लोजिंग रिमार्क देना चाहता हूँ कि जो हमारे यूथ किस तरह से मिसगाइड होता है, ये एक बिल्कुल प्रेजेंट हमारे सामने एक लाइव एग्जांपल है, एकदम आप देखिए बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी नहीं पता, उपनिषद को कभी हाथ नहीं लगाया, उपनिषद का एक श्लोक नहीं पढ़ा, आचार्य प्रशांत ने उपनिषद को बताया कि ये बहुत महान है तो सुनकर चले आए कि हाँ आचार्य प्रशांत ने बता दिया उपनिषद महान है तो उपनिषद महान। कभी आप खुद खोल के क्यों नहीं देखते, आप खुद क्यों नहीं आपने प्रयास करा कि अगर आचार्य प्रशांत ने कुछ बताया है कि उपनिषद बड़े महान है तो जाकर हम एक दो पन्ने तो पलटें, देखें तो सही उपनिषदों में है क्या, लिखा हुआ क्या है, और क्यों नहीं आपने जो वो फिलॉसफी जो भी बातें कर रहे हैं उनको क्यों नहीं आपने प्रैक्टिकली उनको आजमा कर देखा, क्यों नहीं आपने उन्हें कसौटी पर कसा। अगर आप कहते हैं कि अहंकार के विघलन की बात करते हैं, फिर आपसे कहा कि क्या आपका अहंकार का विघलन हो गया, आपने कहा नहीं हुआ, आपसे पूछा कि क्या आपके गुरु का अहंकार का विघलन हो गया, वो भी आपको नहीं पता, तो आपने इसका मतलब जो कुछ आपने सुना उनसे सीखा अहंकार के विघलन के बारे में उसका आप एक भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं प्रेजेंट कर सके, नहीं बता सके। और मैं समझता हूं आपको ना तो आपको कुछ अभी तक समझ आया जो उन्होंने बोला और ना ही आपने उसको समझने की कोशिश करी। अगर आपको सामने कोई व्यक्ति है, कोई टीचर है, आपको कुछ सिखा रहा है तो आप उसे जब तक डाइसेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उसे कसौटी पर कसेंगे नहीं कि भाई ये जो चीज है ये कहीं वो, तब तक आपको उसका सच्चाई का पता नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ आप अभी काफी यंग एज में हैं तो मेरा ये कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जो हम कह रहे हैं उन हमारी बातों को भी आप सुने, जो आप आपके आचार्य जी कह रहे हैं आप उन बातों को भी सुनिए और खुद से आप एक स्वतंत्र दिमाग से आप उनका विश्लेषण करें, जो चीजें कह रहे हैं अगर उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषदों को भी जरूर खंगालें।